हेलो फ्लोनर्स, दिस इज निकिता। और इस पूरे कोरोना के पैंडेमिक में 1.5 सेंटीमीटर लंबे डोलो 650 टैबलेट्स के करीब 3.5 बिलियन यूनिट्स बिके हैं। यानी कि इतने टैबलेट्स बिके हैं कि अगर उन्हें एक के ऊपर एक लंबाई में अरेंज कर दे जाए तो उसकी हाइट तकरीबन 6000 मीटर एवरेज जितनी हाइट हो जाती है। डोलो 650 का इतना हाई कंजम्पशन अचानक से कैसे? इनफैक्ट सोशल मीडिया और कई सारे न्यूज़पेपर्स में तो इसे इंडियाज फेवरेट स्नैक तक बुलाने लगे, जबकि पैरासिटामोल टैबलेट्स में एक टाइम पे हाईएस्ट डिमांड तो क्रोसिन का था। सो अब कैसे सडनली डोलो 650 इतना ज्यादा फेमस हो गया कि डॉक्टर्स तो छोड़ो, इंस्टा अकेले पे ही उसके अब तक 3.5 लाख मीम्स बन चुके हैं। वेल लेट्स फाइंड आउट। सो वेल, एज वी ऑल नो, साल 2019 से 20 में महामारी आई, लॉकडाउन लगा और बिजनेसेस ठप हुए, लेकिन डोलो 650 का बिल्कुल भी नहीं। सो इसीलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि डोलो 650 इंडिया का फेवरेट स्नैक कैसे बना। सो वेल, इसके पीछे 3 मेजर रीजंस हैं। नंबर 1, डॉक्टर्स का डोलो के डोलो पर अंधाधुन विश्वास। सो जब फर्स्ट और सेकेंड वेव के दौरान वैक्सीनेशन एकदम कछुए की चाल से आगे बढ़ रहा था, तब इस महामारी से पीड़ित लोगों को टेम्पररी राहत दिलाने के लिए डॉक्टर्स कुछ ना कुछ मेडिसिन देकर सिर्फ उनके फीवर या फिर कफ जैसे सिम्टम्स ट्रीट करने लगे। और ऐसे में फीवर के बारे में सोचते ही पहली मेडिसिन कौन से दिमाग में आती है? ऑब्वियसली पैरासिटामोल। बट फॉर सम वियर्ड रीजन, आउट ऑफ ऑल दी पैरासिटामोल बेचने वाले ब्रांड्स, ज्यादातर डॉक्टर्स स्पेसिफिकली डोलो 650 ही प्रिस्क्राइब कर रहे थे। सो अब ऐसा क्यों? सो वेल, कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये डोलो मैन्युफैक्चर करने वाली माइक्रो लैब्स लिमिटेड की ही मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का कमाल है, जिससे ही 2010 में डोलो को बेस्ट मैनेज ब्रांड का खिताब भी मिल चुका है। सो बेसिकली दैट मीन्स कि अगर देश के हर एक केमिस्ट के पास डोलो अवेलेबल होने लग जाए और डोलो एज अ ब्रांड भी ज्यादा फेमस होने लग जाए, तो ऑब्वियसली डॉक्टर्स उसे ही ज्यादा रिकमेंड करने वाले। लेकिन यू नो व्हाट, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि अगर डॉक्टर्स सिर्फ इन जनरल पैरासिटामोल रिकमेंड कर रहे हैं, तब भी लोग पर्टिकुलरली डोलो 650 ही खरीद रहे थे। सो ऐसा क्यों? वेल, इसके पीछे की वजह है इल्यूजन, डोलो द्वारा क्रिएट किया गया इल्यूजन। सो अब सोचो कि आपके सामने दो टैबलेट्स है, एक 650 mg पैरासिटामोल वाला डोलो 650 और दूसरा 500 mg पैरासिटामोल वाली क्रोसिन। क्या लगता है कौन सी टैबलेट ज्यादा इफेक्टिव रहेगी और आप किसको चुनोगे? वेल ऑब्वियसली एक ऑर्डिनरी इंसान सोचेगा 650 mg वाला डोलो 650, राइट? हर एक केमिकल का एक ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन होता है जिस पर उस मेडिसिन की इफेक्टिवनेस पीक करती है। यानी बेसिकली एनीथिंग अबव और एनीथिंग बिलो दिस कॉन्सेंट्रेशन इज कंपैरेटिवली लेस इफेक्टिव। और इसीलिए कोई भी ड्रग का एक ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन को आइडेंटिफाई करने के बाद ही उस दवाई को मार्केट में रिलीज किया जाता है। एंड इसी स्टैंडर्डाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू पैरासिटामोल का ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन निकल कर आया था 500 mg, जिस वजह से ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स इसे उसी मात्रा में बेच रहे थे। लेकिन फिर यहाँ आया डोलो 650, जिसने इस मेडिसिन के 650 mg टैबलेट्स बेचने शुरू किए, क्रिएटिंग एन इल्यूजन कि वो बाकी टैबलेट से बेहतर है, ज्यादा इफेक्टिव है। क्योंकि एज आई मेंशन कि आपको ये लगेगा कि 650 mg इज वे बेटर देन 500 mg। नाउ फ्लोनर्स, कमिंग बैक टू द टॉपिक, रीजन 3 ऑफ व्हाई डोलो 650 इज सो फेमस, लेस बॉबल इरिटेशन। अब कई बार पैरासिटामोल की मैक्स इफेक्टिविटी यानी कि 500 mg से पेशेंट्स को बॉवल इरिटेशन होने लग जाते हैं, लेकिन क्योंकि डोलो में 650 mg है, विच इज नॉट द ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन, नॉट द मोस्ट इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन, वो आपके पेट में जाके बॉवल इरिटेशन या फिर गुड़ गुड़ नहीं कॉज करता है, जिससे लोगों का ये परसेप्शन हो जाता है कि ये ड्रग बाकी ड्रग से बेटर है और उसका एक बेटर वर्जन है। लेकिन यार, इवन आफ्टर हैविंग ऑल दिस वैलिड रीजन, एक रीजन है जो किसी भी नेसेसरी या फिर अननेसेसरी चीज को भी सेंसेशनलाइज करने में सबसे आगे रहता है, और वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। इंडियन एक्सप्रेस के एक रीसेंट आर्टिकल के अनुसार डोलो को इंडिया फेवरेट स्नैक का टाइटल असल में सोशल मीडिया के ही कुछ खुराफाती दिमागों ने ही दिया है। I mean, आप खुद ही देख लो ना, अकेले ट्विटर पे ही 26 जनवरी की शाम से 27 जनवरी की दोपहर तक करीब 100 मीम ट्वीट्स हो चुके थे #dolo650 के नाम से, जिनकी टोटल रीच थी अराउंड द वर्ल्ड 1,43,55,862 और मीम्स लाइक दीज। बट ये भी सिर्फ यही नहीं रुका, क्योंकि अगर इंस्टाग्राम और फेसबुक के आंकड़े देखें तो इंस्टा पर अब तक डोलो से रिलेटेड करीब 3,40,000 मीम्स पोस्ट हो चुके हैं और फेसबुक पर भी करीब 2,500 मीम्स पोस्टेड हैं। नाउ आई नो आप ये सोच रहे होंगे कि लोग सटिया गए, पर ये डोलो का साइड इफेक्ट नहीं बल्कि उसका टाइड इफेक्ट है, जिसके चलते लोगों को इसकी लत लग चुकी है। सो अब डोलो कैसे फेमस हुआ ये तो हम समझ गए, अब ये जानते हैं कि डोलो 650 असल में हमारे शरीर में क्या काम करता है एंड क्या उसमें कोई एक एडिक्टिव एजेंट होता है जो हमें उसकी लत लगाता है।
सो वेल, अगर डोलो 650 के इंग्रेडिएंट्स देखें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 650 mg पैरासिटामोल ही मौजूद है, जो एक एनाल्जेसिक यानी कि एक पेन किलर और एक एंटीपायरेटिक यानी कि एंटी फीवर केमिकल की तरह काम करता है, विच मीन्स इसमें कोई एडिक्टिव एजेंट नहीं होता है। अब जब भी हमारे शरीर में किसी भी तरीके का कोई इन्फेक्शन या फिर इंजरी होता है, तब वहाँ के डैमेज सेल्स प्रोस्टाग्लैंडिंस नाम के कुछ केमिकल्स सेक्रीट करने लगते हैं, जो बेसिकली आसपास के पेन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करके उस एरिया में पेन कॉज करते हैं। एंड पैरासिटामोल पेन को रोकने के लिए बेसिकली इन्हीं प्रोस्टाग्लैंडिंस का प्रोडक्शन को रोकता है। मोरोवर, रही बात फीवर की, तो उसके लिए पैरासिटामोल हमारे ब्रेन के टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर यानी कि हाइपोथैलेमस को फिर से रीसेट करता है, ताकि बेसिकली वो बॉडी के टेम्परेचर को फिर से नॉर्मलसी पे ले आए। नाउ आई नो कि ये मेडिसिनल इफेक्ट्स इतने ज़्यादा खतरनाक नहीं लगते कि इसके किसी साइड इफेक्ट से इंसान की मौत हो जाए, बट यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि क्या लोगों को वाकई में डोलो 650 को इतना रैम्पेंटली यूज़ करने की ज़रूरत भी है? सो वेल, इफ़ यू आस्क मी, डोलो 650 के पैकेट्स पर ये क्लियरली लिखा होता है कि इसे डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसकी ओवरडोज से लिवर डैमेज हो सकता है। बट इसके अलावा भी अगर हम इसके साइड इफेक्ट्स और वार्निंग्स पर नजर डालें, तो इससे हार्ट डिजीज, लिवर डिजीज, किडनी डिजीज पेशेंट्स, अल्कोहलिक्स, चाय या फिर कॉफी लवर्स और एलर्जिक लोगों को इसे लेते समय अच्छा खासा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि पैरासिटामोल अल्कोहल, कैफीन और अन्य मेडिसिन लाइक एस्पिरिन, इन सब के साथ रिएक्ट कर सकता है। अब मेरा इंटेंशन यहाँ पे किसी में भी डर फैलाने का नहीं है, लेकिन वी इंडियंस नीड टू अंडरस्टैंड कि डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन जब देते हैं वो किसी रीजन से देते हैं, रीजंस लाइक प्रिवेंटिंग ओवर डिपेंडेंस ऑन मेडिसिन। मिसाल के तौर पर प्रोस्टाग्लैंडिंस हमारे जो डैमेज सेल्स हैं वो मेनली इन्फेक्शन वगैरह को फैलने से रोकने के लिए बनाते हैं, जिसका एसोसिएटेड इफेक्ट होता है पेन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करना, जिससे ब्रेन को भी ये पता चलता है कि भाई इस जगह पर इन्फेक्शन के खिलाफ कुछ घमासान युद्ध चल रहा है। और इससे ब्रेन तुरंत ही अंदर से हमारे सोल्जर सेल्स यानी कि WBCs को वहाँ पर भेजता है, जो हमारे जख्मों को हील कर सकते हैं, यानी बेसिकली ये हमारे बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। सिमिलरली फीवर भी हमारे बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म ही होता है, जो मदद आने तक हमारे शरीर में इन्फेक्शन को बढ़ने से रोकता है, क्योंकि ज्यादातर बैक्टीरिया और वायरसेस हमारे बॉडी के एवरेज बॉडी टेम्परेचर यानी अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस पर ही सिर्फ तेजी से मल्टीप्लाई होते हैं, और अगर बॉडी का टेम्परेचर इससे बढ़ जाता है तो ऑफकोर्स उनका मल्टीप्लीकेशन काफी हद तक स्लो डाउन हो जाता है। मतलब सिंपली पुट, आपकी बॉडी ऑलरेडी इतनी केपेबल होती है कि ज्यादातर इन्फेक्शन और डिजीजेस को वो बिना किसी मेडिसिन के खुद से झेल पाए, बट हम इंडियंस अलग अलग पेन किलर्स और टैबलेट्स लेकर हमारी नेचुरल इम्यूनिटी को सप्रेस कर देते हैं और उसके बदले में पैसे डालकर आर्टिफिशियल इम्यूनिटी को प्रमोट करते हैं। सो इसीलिए इन माय ओपिनियन हल्का सा फीवर आना ठीक है, क्योंकि वो आपके बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। हल्का सा दर्द होना ठीक है, क्योंकि वो भी आपकी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। और इसीलिए मेरा मानना है कि तब तक कोई भी ड्रग नहीं लेना चाहिए जब तक आप उसे खुद से फाइट नहीं कर पा रहे। अब इसके बारे में आपके क्या ओपिनियंस हैं? आपके जो भी ओपिनियंस हैं मेरे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करना, आई वुड लव टू नो। और अगर आप मेरी बात से सहमत हो कि डोलो 650 वाकई में इंडिया का फेवरेट स्नैक बन चुका है, तो इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करो, ताकि आप उनमें एक अवेयरनेस क्रिएट कर पाओ। अगर आपको फ्लोन के ऐसे ही सोशल अवेयरनेस बेस्ड वीडियोस पसंद आते हैं, तो मेरे चैनल गेट सेट फ्लोन को सब्सक्राइब कर दो विद बेल आइकन ऑन, वरना फ्लोन की नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।